बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम स्टार्ट हम डिस्कस कर रहे थे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को। ये इसका पार्ट नंबर टू है। हमने पार्ट नंबर वन में इसकी डेफिनेशन, इसके कॉजेज और इसके प्रेवलेंस के अलावा हमने इसके तीन क्राइटेरिया को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट क्राइटेरिया को, जिसमें हमारे पास मिलती हैं जी क्राइटेरिया नंबर डी में मूड रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, और इसकी कॉग्निशन से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलती हैं। ये अपनी जो कॉग्निशन है उसको अल्टर कर लेता है, उसमें अल्टरेशन लेकर आता है, नेगेटिव अल्टरेशन लेकर आता है अपनी कॉग्निशन और अपनी मूड में, जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे कि अगर वो कहता है कि मैं उस सिचुएशन पे दोबारा जाता हूँ, ठीक है, उस सिचुएशन में दोबारा जाता हूँ, हालांकि वो सिचुएशन एक दफ़ा होनी थी, वो हो चुकी है। एज अ नॉर्मल पर्सन हम इस चीज़ को यही कहेंगे कि एक दफ़ा वो सिचुएशन हो चुकी है, अगर हम दूसरी दफ़ा उस सिचुएशन में जाएंगे तो वैसी कंडीशन नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर ये जो इस डिसऑर्डर का पेशेंट होता है वो क्या करता है कि वो अपनी कॉग्निशन और अपने मूड को बिल्कुल नेगेटिव कर देता है रिलेटेड देयर ट्रॉमेटिक इवेंट। ठीक है, कैसे नेगेटिव कर देगा कि वो सिचुएशन से अवॉइड करेगा, उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने में अवॉइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें नेगेटिव थॉट्स जो हैं अपने अंदर, जो उसकी कॉग्निशन है उसको बिल्कुल नेगेटिव कर लेता है कि ऐसा ना हो कि मैं दोबारा जाऊँगा तो वही चीज़ होगी, मैं इस पर दोबारा जो है वो, जैसे मैंने बताया था ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए कि बाइक पर बैठूंगा तो दोबारा मेरे साथ ये हादसा होगा, तो बिल्कुल वो अपनी जो थिंकिंग है उसको नेगेटिव कर लेता है। बिगनिंग और वर्सिंग आफ्टर द ट्रोमेटिक इवेंट अकर्ड एज एविडेंस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कह रहे हैं कि इन तीनों में से एक का होना ज़रूरी है, तब जाकर आपको जो है ये तीन नहीं है, ऑलमोस्ट इसकी जो सिम्टम्स है वो सेवन है, उन सेवन में से एक का होना ज़रूरी है, तब जाकर आपका क्राइटेरिया नंबर ए जो है वो फुलफिल होता है। सबसे पहले देख लेते हैं जी, इनएबिलिटी टू रिमेंबर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। अब यहाँ पे पहले तो हमने देखा कि उसको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, वो भूलना चाह रहा है लेकिन भूल नहीं रहा। लेकिन बहुत सिचुएशंस में ऐसा भी होता है जिसमें जो है पेशेंट इन वो जो ट्रॉमा उसके साथ हुआ, वो जो ट्रॉमेटिक इवेंट उसके साथ हुआ, उसके बारे में बिल्कुल वो भूल जाता है, उसमें लॉस हो जाती है उसकी मेमोरी। ये इसलिए नहीं होता कि उसके सर पे कोई चोट लगी है, अल्कोहल उसने यूज़ किया, या कोई ड्रग यूज़ करता है, ठीक है, या कोई मेडिसिन उसने यूज़ किया जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। ये जो है वो एसोसिएट करता है अमनीजिया के साथ। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेमोरी जो है वो लूज़ हो जाती है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, और इसमें जो अदर फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हेड इंजरी वगैरह, अल्कोहल वगैरह, ड्रग वगैरह जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। इसके अंदर जो है मेनली ये होता है कि पेशेंट की जो मेमोरी होती है रिलेटेड टू ट्रॉमेटिक इवेंट वो बिल्कुल लूज़ हो जाती है, बिल्कुल भूल जाता है नेचुरली। अल्लाह ताला ने मतलब ऐसा निज़ाम होता है हमारे माइंड के अंदर कि बिल्कुल वो आपको बिल्कुल भूल जाती है, लेकिन वो भी आपके लिए अच्छी नहीं होती, वो आगे चल के हम देखेंगे जब इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है नेक्स्ट जो है वो प्रेजिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटेड नेगेटिव बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस अबाउट वन सेल्फ, अदर और द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट उसके बारे में क्या आ जाएगा कि वो नेगेटिव बिलीव करना स्टार्ट कर देगा, किस किस के बारे में, अपने आप के बारे में, ठीक है, अपनी जो इर्द गिर्द लोग पाए जाते हैं उनके बारे में, और अपनी दुनिया जो उसकी वर्ल्ड है, ठीक है, दुनिया के बारे में। तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे कि वो कहेगा कि मैं जो हादसा हुआ, ठीक है, वो मेरी वजह से हुआ, मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना क्योंकि मैं उसके साथ गया था, तो उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, अगर किसी पर्सन के साथ उसके साथ हो जाता है। इसके अलावा कोई हादसा हो गया है, ठीक है, तो वो कहेगा कि जो वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली डेंजरस है, मुझे इसमें बाहर नहीं निकलना, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है मेरा वो कम्प्लीटली डेंजरस है, मुझे बाहर नहीं जाना, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे साथ ये हादसा दोबारा से पेश आएगा। तो ये नेगेटिव बिलीव्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस अपनी कायम कर लेते हैं अपनी ज़ात के बारे में, दूसरों के बारे में और अपने इन्वायरमेंट के बारे में। तीसरे नंबर पे प्रेजिस्टेंट डिसऑर्डर्ड कॉग्निशंस अबाउट द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट दैट लीड द इंडिविजुअल टू ब्लेम हिमसेल्फ और हिमसेल्फ और अदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ब्लेम कर रहे हैं, जो उसके काजेज जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको अपनी ज़ात से रिलेट करेगा या दूसरों की ज़ात से, जैसे कि मैंने पहले बताया वो कहेगा कि मैं इस पर्सन के साथ गया था तो इसकी वजह से मेरे साथ जो है वो हादसा पेश आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात को ब्लेम कर रहा है, हिम सेल्फ और हर सेल्फ टू अर अदर। तो यहाँ पे अपनी ज़ात को क्या ब्लेम करेगा कि हादसा मेरी वजह से पेश आया, मैं अगर वहाँ ना जाता तो हो सकता है ना कि उसके साथ जो लव वन गया था उसकी डेथ हो गई है, हादसा पेश आया है, उसके साथ जो लव वन है उसकी डेथ हो गई है, तो वो क्या कहेगा कि मैं जो है वो ना जाता, उसको लेकर ना जाता तो मेरे साथ ये ना होता,
ठीक है, उसके साथ ये ना होता वो बच जाता, या फिर उसको जो है वो मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं जाता ना, मतलब इस तरह के थॉट्स उसके जो है वो माइंड में आते रहते हैं, वो खुद से ही अपने आप को जो ब्लेम करता है, खुद से इमेजिनेशन में इसके जो काजेज़ हैं उसको बना लेता है कि इसके काजेज़ ये हैं और ये इस वजह से हुआ है, और मतलब नेगेटिव और एक जो है ना इमेजिनेशन अपने अंदर कायम कर लेता है कि इसके काजेज़ ये हैं और इसी वजह से ये हुआ है बस, और वो रैशनल थिंकिंग करने की तरफ जाता ही नहीं है, इरेशनल थॉट्स जो हैं वो उसके तरफ इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है जी प्रसिस्टेंट नेगेटिव इमोशनल स्टेट होगी, उसमें हमेशा जो है उसके अंदर फियर, हॉरर, एंगर, गिल्ट और शेम पाया जाएगा। यहाँ पे अगर उसने किसी को लूज़ किया तो शेम और गिल्ट होगा उसके अंदर, एंगर होगा उसके अंदर, इसके अलावा हॉर मतलब होप होगा उसके अंदर कि मैं उस सिचुएशन में मुझे नहीं जाना, उस उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं यूज़ करना, उसको डर लगेगा इन चीज़ों से, ये चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद है मार्क डिमैनिश इंटेंस इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन इन सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ में, उसका जो इंटरेस्ट है वो डिमैनिश हो जाएगा जिसकी वजह से उसके फंक्शनल एरियाज जो है वो डिस्टर्ब होंगे। फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट और एस्ट्रेजमेंट फ्रॉम अदर, दूसरों के साथ वही चीज़ के दूसरों के ऊपर जब बिलीव नहीं करेगा, ठीक है, नेगेटिव बिलीव्स आ जाएंगे उसके अंदर दूसरों के से रिलेटेड, तो क्या है कि वो दूसरों के साथ ना तो अटैच होगा, और अगर मतलब अटैच नहीं होगा दूसरे के साथ और उसका जो बिहेवियर होता है वो फ्रेंडली नहीं रहता एट दी एंड। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी प्रेजिस्टेंट इन एबिलिटी टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की जो उसकी एबिलिटी होती है, जैसे हैप्पीनेस होगी, सेटिस्फैक्शन होगी, लविंग फीलिंग्स होंगी, ये सारी फीलिंग्स जो है वो इसके अंदर इनेबल हो जाती हैं, वो इन चीज़ों को वो इन इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा होता, वो अनएबल हो जाता है इन पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये क्राइटेरिया नंबर डी था जिसमें से आपको एक जो सिम्टम है होना ज़रूरी है तब जाके आपका क्राइटेरिया नंबर डी जो है वो फुलफिल होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया नंबर ई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं कि मार्क्ड अल्टरनेशन, अब यहाँ पे जो उसका अरोजल है या रिएक्टिविटी है उसको वो एसोसिएट कर लेते हैं ट्रोमेटिक इवेंट्स के साथ, जो कि ट्रॉमा के बाद इस तरह की सिचुएशन आती है, और इनमें से दो का होना आपके पास ज़रूरी होता है। सबसे पहले है इरिटेबल बिहेवियर एंड एंगर, आउटबर्स्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं उस पर्सन को विद लिटल और नो प्रोवोकेशन। अब यहाँ पे इस तरह की बात हुई नहीं है, इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई जितना ज़्यादा वो रिएक्ट कर रहा है, जितना ज़्यादा वो इरिटेबल हो रहा है, जितना ज़्यादा वो एंगर शो कर रहा है, आउटबर्स्ट हो रहा है उसको, इतनी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो हुई नहीं है, इतनी ज़्यादा जो किसी ने बात की नहीं है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन उसके ऊपर आ जाती है। टिपिकली एक्सपीरियंस एज वर्बल एंड फिजिकल एग्रेशन टू वर्ड पीपल और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फिजिकल और वर्बल एग्रेशन बहुत ज़्यादा शो करना स्टार्ट कर देता है। रेकलेस और सेल्फ डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटी, बिल्कुल अपनी ज़ात के बारे में लापरवाह हो जाता है और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो है वो शो करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें आपके पास सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, जिसके आपके पास बिंज ईटिंग आ जाती है, अपने आप की बिल्कुल परवाह जो है वो नहीं करता और सेल्फ को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है। प्रिविलेजेंस आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है टुवर्ड देयर एनवायरनमेंट, एक्सीग्रेटेड स्टैटर्ड रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर, प्रॉब्लम विद कन्वर्जेशन कंसंट्रेशन आ जाती है, इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस आ जाती है। इन सब में से सिक्स में से आपके पास टू सिम्टम्स जब होंगी तब जाके आपका क्राइटेरिया नंबर ई जो है वो फुलफिल होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेशन की, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है, मोर देन 1 मंथ आपके पास होना ज़रूरी है, जिसमें आपका क्राइटेरिया बी सी डी ई जो है वो फुलफिल होना चाहिए 1 मंथ के अंदर। इसके अलावा अगर ये 1 मंथ से बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो आप इसको आगे जाकर स्पेसिफाई भी कर सकते हैं और आप इसको क्रॉनिक की कैटेगरी में भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा द डिस्टर्बेंस काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट जो इम्पेयरमेंट काज होगी उसकी फंक्शनलिंग एरिया के अंदर, इसके अलावा ये आपने देख लेना कि कोई और फिजियोलॉजिकल कंडीशन ना हो, सब्सटेंस यूज़ मेडिकेशन और अल्कोहल वगैरह यूज़ ना कर रहा हो पेशेंट, ये चीज़ आपने देख लेनी है। नेक्स्ट इसके स्पेसिफायर की बात करें तो अगर क्राइटेरिया जो है वो 1 मंथ की बजाय 6 मंथ तक आपके पास शो नहीं होता, ठीक है, फुल क्राइटेरिया 6 मंथ तक जो है वो आपका मीट नहीं होता क्राइटेरिया पेशेंट का, तो आप उसको स्पेसिफाई करेंगे। अगर 6 मंथ के बाद आपके पास पेशेंट आया और फिर जाके उसका क्राइटेरिया जो फुलफिल हुआ है, तो आप उसको स्पेसिफाई करेंगे विद डिले एक्सप्रेशन। ट्रीटमेंट पे बात करें तो आपके यहाँ पे जो पेशेंट होता है, पेशेंट के अंदर मेनली जो आप डिस्टर्बेंस होती है ब्रेन के अंदर, वो जो इमोशनल
इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन का पार्ट, जैसे कि अमिगडाला हो गया, इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि अमिगडाला का जो साइज़ है वो छोटा होता है नेचुरली, जिसकी वजह से अगर उनके साथ कोई हादसा पेश आता है तो उनको ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिल रही होती हैं। इसके अलावा ब्रेन का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है जब ये ट्रॉमा होता है या ट्रॉमेटिक इवेंट पेशेंट के सामने आता है, तो ये चीज़ इसमें डिस्टर्ब हो रही होती है। यहाँ पे आप मेडिकेशन का यूज़ बहुत कम करवाते हो, क्योंकि पेशेंट को जो मेडिकेशंस यूज़ करवाई जाती हैं उसकी वजह से उसकी जो स्लीप है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और वो एडिक्टिव हो सकता है इस सिचुएशन के अंदर कि मैं जो है वो मेडिकेशन यूज़ करूँगा तो मुझे ये फीलिंग्स नहीं आएंगी, मुझे गहरी नींद आएगी, मुझे नाइटमेयर्स नहीं आएंगे, ये नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपने मेडिकेशंस को अवॉइड करना है। इसके बजाय आप जो है वो साइकोथेरेपी की तरफ जा सकते हैं। साइकोथेरेपी से भी के अलावा आप उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा सकते हैं, किस तरह से कि आपने जब आपके सामने इस तरह की फ्लैशबैक्स आते हैं या आपके सामने ये सिचुएशन दोबारा से आती है जिसमें आपको लगता है कि सिचुएशन दोबारा से हो रही है या आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, तो आपने वहाँ पे किस तरह से रिलैक्स रखना है अपने आप को, किस तरह से आपने रिएक्ट करना है रिलैक्स। आप इनको जो है वो पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हो जिसकी वजह से वो सिचुएशन के अंदर आपको अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, अपने आप को अपने जो एंजाइटी उनके सामने आ रही होती है इस सिचुएशन फ्लैशबैक्स की वजह से, नाइटमेयर्स की वजह से, या उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की वजह से, या वहाँ उस जगह पे जाने की वजह से, उन जगह पे इन सब सिचुएशंस के अंदर जो है ना वो पेशेंट अपने आप को रिलैक्स रखना स्टार्ट कर देता है जब आप उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाने के बाद साइकोथेरेपी उसके ऊपर अप्लाई करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को, उसके काजेज को, उसके ट्रीटमेंट को, इसके अलावा उसके क्राइटेरिया को। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी मानिल्ला।